बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक ECM आया है, हमें क्या करना है कि इसकी EEP ROM को निकालना है, ठीक है, और उसके डेटा को दोबारा से राइट करना है। तो ये ECM है हमारे फोर्ड का, जो फिस्टा में, फिगो वगैरह में यूज़ किया जाता है, और इसका जो पार्ट नंबर होता है, पार्ट नंबर है SID 804, राइट, और ये फोर्ड फिस्टा फिगो वगैरह में। तो सबसे पहले तो इसे हम खोलते हैं और देखते हैं इसकी कहां पर लगी है ईपी रोम और वो किस तरीके से निकलती है, राइट। तो इसका हमने ये खोल लिया है और इसका ये बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो आप देख लीजिए कौन सा CPU है, C167CS, ठीक है, और 16 सीरीज का CPU है ये। अब इसकी EEPROM रोम अगर देखें हम, तो फ़िलहाल तो इस तरफ कोई इसके दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पर है, ठीक है, और फिर हम बैक साइड में देखते हैं इसके में। ये एक इसका बूस्टर वाला बोर्ड लगा हुआ है सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, तो इधर भी कहीं नहीं है और इधर भी कहीं नहीं है। तो बोर्ड के नीचे है वो EEPROM रोम लगी हुई है, उस EEPROM रोम का नंबर होता है जो इसमें लगी है 93C56। क्या करना होगा उस EEPROM रोम तक पहुंचने के लिए, सबसे पहले इसको निकालना होगा। एक पिंस होती हैं, पिंस लगी रहती हैं इसमें ये, तो इनको डिसकनेक्ट करना होगा, डिसोल्ड करना होगा, और उसके बाद हम EEPROM रोम तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसको डिसोल्ड करना है, उसके बाद EEPROM रोम तक पहुंचेंगे। इसकी ये पिंस होती हैं, यहाँ से इनको डिसोल्ड किया जाएगा। उसके लिए एक ज़रूरी है कि आपके पास एक पेस्ट हो, पहले पेस्ट लगाएं इस पर, और फिर उसके बाद इस तरीके से एक वायर हो, डिसोल्डर वायर हो, ताकि इस पर हम उसको ले सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें, राइट। तो अब हम इसका यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी है आप इस तरीके से पेस्ट लगा लें, और चाहें तो आप हॉटगन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वायर ले लिया है, ठीक है, और वायर को इस तरीके से बारी बारी से आप लगाते जाएंगे। तो हमने ये डिसोल्डर वायर लिया, और डिसोल्डर वायर को हम इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये एक एक करके तमाम पिंस पर करेंगे ये, ठीक है। ये इस पर इस तरह से आता जाएगा, ये जैसे ये आ रहा है, और नीचे सफाई होती जाएगी, ताकि हमारा जो बूस्टर वाला कार्ड है, कैपेसिटर वाला कार्ड है, वो सही से निकल सके। आराम आराम से निकाल लें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक ख़राब ना हो जाए कहीं इसलिए, ठीक है। ये लगभग हल्की हल्की पिनें साफ़ हो चुकी हैं ऊपर से, और अब जो है यही अपनाएंगे। इसकी बिल्कुल अंदरूनी साइड पर ठीक है, और जो साफ़ होता जा रहा है, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा ये, ठीक है, तो ये सारा ही हमने नीचे से लिया है ये, और बेहतर है चाहे तो आप हॉट गन लेके इस तरीके से हॉट गन से इसे निकाल लें, इस तरीके से करके हल्का हल्का देना है दोनों साइड से, और ये इजीली निकल जाएगा क्योंकि इसकी दोनों साइड से साफ हो चुका है लगभग, ठीक है। मैं हॉट गन से निकालता हूँ, काफ़ी हद तक ये निकल चुका है, बस थोड़ा सा ही रह गया है ये, ठीक है, ये हमारा निकल गया है। अब इसमें जो EEPROM रोम है, तो EEPROM रोम की IC ये होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। अभी EEPROM रोम कौन सी है आप भी देखिए, 93 C
C56। तो ई पी रोम है 8 पिन की ई पी रोम होती है, तो इसको मैं निकाल के फिर इसका डाटा लेना है। ठीक है, इसके अंदर की वाला डाटा होता है ई सी एम में, IC93C56। तो ये ए पी रोम निकाल लिया हमने। ठीक है, और इसको प्रोग्राम करने से पहले एक सॉकेट में लगाया जाता है, इस तरह के सॉकेट होते हैं ये। ठीक है, इसमें लगा लेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो इसको हम लगाते हैं। ठीक है, लगाने के बाद इसे लॉक को पीछे कर देते हैं। तो अब हम इसे रीड पर क्लिक करते हैं, और रीड पर हमने क्लिक किया, सबसे नीचे एक लाइन चली, एक बार और देख लीजिए आप ये। तो इसके अंदर छोटा सा प्रोग्राम होता है KB में, तो वो बहुत कम सेकंड में ही रीड कर लेती है इसको।